जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। फुल्लेन्दि बरकान्ति मिन्दु वदनम् बरावतंसं प्रियं श्रीवत्सङ्गमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनार्पितं चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविंदं कलवेणुवादनपरं श्रीदिव्यांगभूषं भजे। भगवान श्री श्री जगन्नाथ आदि चतुर्धामूर्तिंकर श्री चरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करुछि पद्मनाभ। जय जगन्नाथ टीभीर दर्शक बंधु, आपण मानक श्रद्धा सम्मान प्रणाम पूर्वक प्रात काल महाप्रभु श्री जगन्नाथ द्वारफिटा मंगल आलती तड़प लागी प्रभुंकर अवकाश नीति वर्तमान हवाक गलानी। समस्त दर्शक बंधु आमर प्रात काल सीधा प्रसारण पतित पावन नारायण को आपण माने देखुचंती नीलाद्रि मंडपर से पवित्र भगवान महान प्रासाद मंदिर नीलचक्र बाना को मध्य देखुचंती। महाप्रभु कालिया शांते प्रत्येक समय रे नाना विध लीला करी थांती। आज गुरुवार प्रभुंकर जेहेतु श्रीमंदिर रे माजणा नीति रही एवं आपण माने घरे बसी महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर समस्त लीला जय जगन्नाथ टीवी पर्दारे पतित पावनकर दर्शन बाट मंगलांकर दर्शन तीर्थराज महोदधि आलती सहित अनेक तीर्थ पुष्करणी दर्शन करुछंती एवं विविध लीला महाप्रभुंकर जो दिव्य लीला बाहरे अनुष्ठित हुए से समस्त लीला को आपण जय जगन्नाथ टीवी पर्दार देखुछंती। इति सहित जदि कौनसी भक्तंकर बा दर्शक बंधुंकर जय जगन्नाथ टीवी चैनल आसुनाही तबे डीटीएच किंबा केबल ऑपरेटर को जोगाजोग करंतु आपण निश्चित भाव देखि परिवे। ये तो थिला आजिरो प्राक सूचना या परवर्ती पर्याय रे आजिरो दिन संपर्क रे आमे टिके संदेश दबा एवं तापर आज भगवती दश महाविद्या मध्य रे मां काली से मां कालींकर रहस्य ऊपर मध्य आमे आलोकपात करिबा। श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र आपण माने देखुचंती सिंह द्वार रे किछ भक्त माने साष्टांग प्रणिपात करथिबार दृश्य आसुची। विभिन्न प्रकार भक्त महाप्रभुंकर श्री क्षेत्र को आसीथांती गंगा गोदावरी ठारु विभिन्न स्थान रु भक्त माने आसी पहुंचंती भगवान कर सही अपूर्व प्रकार स्थान देवस्नान मंडप अनेक भक्त को देखा मिलूची। से मुंडिया मारुचंती बड़दाण्ड किसी भक्त हाथ जोड़ी नमस्कार आपण माने देखुले एवं साष्टांग प्रणिपात कर दृश्य आसुची। ये सब महाप्रभुंकर ये पुरुषोत्तम क्षेत्र गोटे एभली क्षेत्र प्रत्येक मुहूर्त रे भावावेग सहित जड़ित भगवान ये क्षेत्र से भक्ति रे अनेक भक्त माने महाप्रभुंकर बड़दाण्ड रे पहुंची मुंडिया मारती किए साष्टांग प्रणिपात करे किए बड़दाण्ड रे गड़ी जाए किए हाथ टेकी समर्पण भाव रे जय जगन्नाथ बोली
उच्चारण करे ये सब होती देखा मिले। आज हूँ दिन संपर्क आम सामूहिक भाव टे प्राक सूचना दबा आपण माने जानती आज सेप्टेम्बर 26 तारीख 2024 मसीहा आश्विन मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि। तेणु ये जो नवमी टी रहिला ये नवमी होचंती नवमी संयुक्त दशमी मध्य भोग होची जहाँ दिन 12:37 पर पुनी दशमी तिथि भोग होची। श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर जेतु शारदीय दुर्गोत्सव होचंती 16 पूजा चली आज नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि चंद्र अवस्थान करुचंती भावे दिन टी आज भोग कर विशेषतः द्वादश राशि मध्यरु चंद्रंकर बलवत्तर को देखिले चंद्र शुद्धि जदि आम देखिबा विशेषतः मेष मिथुन कर्कट सिंह धनु मकर मीन ए राशि मानकर चंद्र शुद्धि रहुची संध्या 6:08 परे आउ किछि यार परिवर्तन हम आम से फलक तड़प लगी जहाँ मुझे अवकाश पाई पूर्व प्रस्तुति प्रभुंकर अवकाश पूजा होती अनुष्ठित हम ये कथा मध्य आसुची तेणु तड़प लगी परे प्रभुंकर से अवकाश ही थाए तेणु ये होती श्रीमंदिर जो रिचुआल आसुची जहाँ को आम नीति बोली कह से फलक लेखा आसुची एतत व्यतीत भगवती महालक्ष्मी के मध्य आम दर्शन करुचे जी कि सिंहद्वार गुमुट ऊर्ध देश में प्रत्येक समय रे आम जय जगन्नाथ टीवी दर्शक बंधु मान माँ महालक्ष्मी को जासा पद्मा संस्थाम विपुल कटितटी पद्म पत्राय तक्षी गंभीरा वर्तनाभिस्तन भरण मिता शुभ्र वस्त्रुतरिया लक्ष्मी दिव्यी गजेन्द्री मणिगण खचित सनापिता हेम कुंभी नित्याशा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमांगल्य युगता। गुरुवार रे महालक्ष्मी को अर्चन बंदन मध्य प्रशस्त भगवती महालक्ष्मी को आम दर्शन करुले व्यतीत आज पुष्कर दोष को जदि देखा तेरे राति 12:26 पर्यंत पुष्कर दोष किसी जनापड़ना 12:26 पर एक पाद शांति करणीय बोली आज रही व्यतीत लाऊ खाइबा को आज मना करा जाइछि विशेष भाव दिन मध्याह्न पर जहाँकि कलम शाग खाइबा को मना करा जाइछि तेणु ये सब जो खाद्य गुड़िक दिन अनुसार शरीर में क्रिया सृष्टि करे से अनेक व्यवस्था आमर रही आपण माने देखुचंती सिंहद्वार से अरुणस्तंभ पाखरे भक्त मानकर गहली लगी अरुणस्तंभ को प्रणाम करुचंती अनेक भक्त से हाथ टेकी होउचंती श्रीमंदिर को प्रवेश करुथिबार दृश्य मध्य आसुची। श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु कालिया शांते पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ लीला ये अपार लीला से अपार लीला को कहीं मध्य जानीपरिवे ना जो लीला भगवान करुछंती बैकुंठर लीला प्रत्येक दिन ये भाव दूर दूरांतर भक्त माने आसी प्रभु जगन्नाथ को दर्शन करने सिंहद्वार पहुँची था आज से जहाँकि अरुणस्तंभ को प्रणाम करी सिंहद्वार गुमुट दे भक्त माने प्रवेश कर दृश्य आसुच एतत व्यतीत आज संक्षिप्त मेषादि द्वादश राशि शुभाशुभ फल को जदि आम देखा तेबे होचंती मेष राशि टिके सतर्कता अवलम्बन कर दिनटा अतिवाहित कले भल हम नचे तो अन्य कारण रे किसी कलह आसी पारे
वृषराशि वृषराशि आज दिन टी भल अच्छी विशेषत होती कौन सी स्थान उच्च प्रशंसित होगा सहित बंधु मिलन जोग मिथुन राशि कौन सी कार्य जाए से कार्यटा हो पारे ताकि खाली आपत छटपट हो गोटे ठीक लगुन किंतु व्यस्त हबार ना जहाँ से कार्य कष्ट हो पचे हो आज ये भाव दिन की कट मिथुन राशि मिथुन राशि होती आम जहाँ कहले टे एपट सेपट भितर चलो ये तो कर्कट राशि कथा कर्कट राशि पर आज दिन की भल अच्छी श्रीचंद्र भोग जेतु से जहा कि कौन सी प्रकार असुविधा से मध्य कटिजी ए तो व्यतीत आय भाग कि आसीपा कर्कट राशि शुभाशुभ रश्चित भाव जाऊ सिंह राशि किसी व्यय आज अच्छी तेणु अनेसेसरी भाव में व्यय करूँ ना बुझि विचारी खर्च करतु नचे बेले बेले ठकामी शिकार हो पारती तेणु सावधान रहा भल कन्या राशि दिन की भल जोग कारक रही आय जोग रोसी कारण किसी आर्थिक स्थिति आपण आसब एतत व्यतीत दिन की होती प्रभुंकर कृपार भल हम बोली आशा करा जाउछि तुला राशि निज कर्तव्य भितर चलंतु केते बेले अधिका काम करबा को चिंता करंतु नाही अधिका काम करी अपदस्थ शेषरे हेबे तेणु सेथिरे हाथ नाउचंती बेसी मन नबळी नियाती कर्तव्य भितर रहिले भल हम बिछा राशि सेवा पूजा आज देवतांक कार्यरे दिन टे अतिवाहित हेबो ता मध्ये मध्ये अनेक सुस्वादु खाद्य पाइबे ई सब कथा आज पई रहिछि धनुराशि धनुराशि व्यक्ति विशेष मानक आज दिन की देहर सुस्थता रही कष्ट अनुभव करेंगे तेज चिंता करूँ ना भगवान शिव को आराधना करूँ निश्चित भाव में देहर कष्ट पीड़ा को भगवान शिव होती उपशम करेंगे मकर राशि से भाई भाव में रही आज कौन सी दिगर दूरा दूर दूरातर बंधु आसी पहुँचे तेणु तांक सहित साक्षात हबो एवं अन्य कौन सी तीर्थस्थान को पाखरे जाई पारंती वा पर्यटन स्थान को जाई पारंती ये जोग कारक आसुची जाऊ कुंभ राशि कुंभ राशि कौन सी कारण घरे गोटे क्रोध वृद्धि हबो व्यावसायिक स्थान रे मध्यम बेले बेले रे होचंती कथार उच्च आच हो पारे टिके सतर्कता अवलंबन करी जहाँकि देवी दुर्गा स्मरण करतु ये हूँ दिन की भलि कटो मीनराशि मीनराशि व्यक्ति विशेष मानक बहुत दिन पड़ी कौन सी कार्य उपर आलोचना हो पारे एवं सुगम भाव समाधान हो आपणकर निश्चित भाव मंगल हम तेणु सब कार्य को देखु जिते असुविधा तो अच्छी से असुविधा गुड़िक आलोचना मध्यम आपको सर्ट आउट करतु जहाँकि भल जाऊ ये संक्षिप्त भाव आज मेषादि द्वादश राशि फल एथस आज आम भगवती माँ काली रहस्य उपरे आलोचना करवा तेबे माँ काली जहाँ को कह जा तंकाली तंच तारा तमच गिरी सुताम सुंदरी भैरवी त्वं त्वं दुर्गा छिन्नमस्ता तमसि भुवनयाम त्वं च लक्ष्मी शिवा त्वं मातंगी त्वं च धूमा तमसि च बगला मंगला हिंगुलाख्यं क्षंतव्यो मे पराधम प्रकटित बदने मा कामरूपी करालीम भगवती मा काली जेकी ये संसारर स्वतंत्र शक्ति जहां को आमे ये काली कौन आपण माने देखिबे
आमर दस महाविद्यार जो रही स्वतंत्रता कारण दस महाविद्यांकर रहस्य मध्य कालिका होती जी कि आद्य महाविद्या से कहुची काली तारा महाविद्या षोड़शी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ताच विद्याधूमावती तथा बगला सिद्धि विद्याच मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता आम भारतीय संस्कृति रे विशेष भाव जहाँकि ये दस महाविद्यांकर पूजा अर्चना ये शरत काल रे विशेष भाव होता है कारण जेहेतु ये दुर्गोत्सव समय ये हूँ जहाँकि षोडश दिनात्मक पूजा मध्य देवीपीठ मानक आरंभ हो सारी सेथिपाई अनेक स्थान रे दस महाविद्यांकर मध्य पूजा अर्चना होता है आपण माने देखुचंती श्रीमंदिर सम्मुख भाग बड़ आनंदमय दृश्य जो आनंदमय दृश्य मध्य प्रभुंकर दर्शन करिबा पाई भक्त माने चालीचंती महाप्रभु को दर्शन करिवे विशेषतः अनेक भक्त मध्य प्रभुंकर दर्शन सारी फेरिले अवकाश समय आम से दस महाविद्यार प्रथम महाविद्या कालिका आम से कथा को तो जीवा जो दस महाविद्या किए से ना काली तारा षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता धूमावती बगला मातंगी कमला यही भाव ये दस महाविद्या ये दस महाविद्यांकर जदि आम देखिबा विभिन्न पुराण मानक विभिन्न कथा सब मध्य रही तेणु सत्ययुग को आम अनुक्षण कले सत्ययुग रे दक्ष प्रजापति गोटे यज्ञ आयोजन कले जो यज्ञ कि केवल भगवान शंकर समस्त देवता निमंत्रण दि जाइला किंतु केवल शंकर निमंत्रण को दे नथिले तेणु माँ पार्वती को यह मध्य अपमान लगला स्वाभाविक हवा कथा जेतु होती दक्ष प्रजापति कन्या होती पार्वती तेब जितेबले बर जी कि होती शंकर भगवान को गोटे यज्ञ ये बड़ कर दक्ष प्रजापति पुणी प्रजापति आदि समस्त डाकि डाक ना गोटे अपमान कथा दक्ष प्रजापति शिव को भल पाती कि पार्वती हूँ जो तपस्या बल से सी शिव को वरण करदे से दक्ष प्रजापति सतोष नुहत तेणुता पड़े ना तेणु सी कहले भाया लोक जी कि गोटे ज्वाई आसब ये बर्तमान भूत प्रेत पिशाच राक्षस युड़क होती सागरे आसबे तेणु यहाँ के दूर हो ठीक लगे ना यज्ञ समय तेणु ताक चाहिए मुठे डाकिले ना जहाँकि पार्वती की सेटा भारी अपमान एवं माँ पार्वती शिव को अनुमति मागिले यज्ञ को जीवापाई शिव मना कले कारण पार्वती जहा झीटा सदा बापा भर घर कथा मन पड़ आते एक चिंता कले से पार्वती शिव को कहले जे आमको तो डाकि नहांती तथापि यज्ञ स्थान को तो बिना निमंत्रण तो अनेक लोक जाती मुझे जाऊँ बुलिक आसवि तेणु एक कथा जो कहले शिव मना कले कहले ना ना आमको तो डकरा ना आम गोटे से जगह को जाकि लाभ कौन अच्छी ठीक ना कहीं जीवा बर्ता हूँ जो निमंत्रण ना आदर ना सीठी जा पहुँचिक कौन लाभ अच्छे कहीं जीव तेज ये हूँ कथा आपण माने देखुचंती एथि सहित आमे मध्य भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्रीमंदिर सिंहद्वार दे भक्त माने मध्य प्रवेश करुचंती प्रस्थान भी करुचंती
अंतरप्रदेश प्रभु अवकाश जहाँकि प्रातकाल अवकाश तेणु कह जाए अवकाश मान करे बोलासा हो तेते बेले डोले हेले न देखी ब्रह्मा रुद्र दीन ईश मो आ प्रभु यही कथारे मो मन प्रभु दिव्य अवकाश जी जगन्नाथ महाप्रभु दर्शन करे तार अनिष्ट अरिष्ट गुड़िक नाश हो जाए जेभली भाव रे आमर स्नान कले शरीर होचंती प्रत्येक महिला गुड़िक सफा हो जाए सेमती भगवान अवकाश को दर्शन कले आमर पवित्रता आसी जाए विभिन्न पाप नाश हो जाए तेणु से ही समय भक्त माने महाप्रभु को दर्शन करने को चली एपटे होती पतित पावन नारायण तड़प लगे बस अवकाश समय एवं चली विशेष भाव में आज आम माँ काली काली कथा को आलोचना को जाई दश मैठी दक्ष प्रजापति यज्ञ कले से शिव आसीना आउ समस्त डकरा तेणु पार्वती जेतेबेले शिव को कहले जे कौन कहवा प्राणनाथ आउ मत अनुमति दिंतु मु वर्तमान जाऊँ टे यज्ञ स्थान को शिव मना कले कहले आमको तो डकाइन कहीं तुम्हें जीव देवी तापर बाध्य कले जदि मु गले सम्मान बात नदेबे ताहले मु अन्य पदक्षेप नेबी तेणु भगवान शंकर विरक्ति हेबारु देवी अभूत रूप धारण कले सेठी कारण देवी को जितेबले भगवान शंकर मना कले देवी कहले बर्तमान जदि सी मत कौन सामान नदे मु कौन होती मन को बुलवि कि मोर रूप मु अलग बदल से अनुसार सीठी परिक्रमा करोर यज्ञ स्थान पलैसी ये कथा कही जिते कहले शंकर विरक्ति हेले कहले अच्छा कथा गोटे आमको डकरा ना तुम्हें गोटे अजथार बाहर युवा सब ठीक कथा नुह तेणु बिना डकर गोटे जगार पहुँचले सदा बेले होती ठीक कथा नुह आदर न थी क्यों भोजन होती जहाँ कह जाए गामुछा न थी क्यों स्नान तेणु आदर नथिले सी भोजन मूल्य किसी ना जदि गोटे जगार बंधु द्वार को जाकर जदि आदर ना ताले होती कहीं सेठी की जीवा कौन दरकार आमर तो मोटे आम प्रति आदर गौरव ना जेहेतु समस्त की डाकिले कि आमको डाकिले हाँ निमंत्रण दे दीजिए कौन क्षति जाता कि ये कथा दक्ष प्रजापति कहले शेष पर्याय देवी पार्वती पार्वती होती जेहेतु दक्ष प्रजापति कन्या आपण मैंने जानते भल भाव जे जाऊँगी झील मैने बापाघर जिते भलमंद था पचे सी ताकि घोड़े टी घोड़े देकर कह अच्छा जहाँ बर्तमान सी तो एमती गोटे करें तो यज्ञ स्थान टी जा बुलकर आसवि तेणु यहाँ जितेबले बारंबार कहले शिव आहरी विरक्त प्रकाश कले जो शिव विरक्त प्रकाश कले देवी होती समय गोटे खराब लगेगा कहले अच्छा कथा मुझे गोटे कौच यज्ञ स्थान को जीवाप गोटे बारंबार मत विरक्ति प्रकाश कर समस्त आगे या बोली देवी गोटे उग्र रूप धईले अभूत रूप को जिते बड़े धईले जोगीश्वर जी कि हूँ भगवान शंकर जी परम जोगी तेणु आस्ते आस्ते कौन है देवी रूपटी भीम भैरवी रूप धारण कला गोटे होती अतीब उत्कट रूप देवी कारण सी तो आद्याशक्ति भगवती माँ पार्वती शक्ति तो स्वतंत्र तेणु जितेबले निजर आत्मशक्ति को से विस्तारित कले से गोटे महाभैरवी स्वरूप भगवती आविर्भाव हेले शिव यह देखि पलैवापाई से चिंता कले कहले अच्छा कथा देवी कौन गोटे रागिले ये तो बहुत भैरवी रूप को धरले विराट भैरवी रूप धरले जिते
ଶିବ କହିଲେ ଏଠୁ ପଳାଇବା, କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଶିବ ସେଠୁ ବାହାରିଲେ, ଶିବ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଦିଗ ଦେଖିଲେ ଏଠୁ ପଳାଇବି, ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ମା ଭୋଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ରଡ଼ି ହେଉଛି ଶୁଭିଲା। ଶିବ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ହେଉଛନ୍ତି ରଡ଼ି ଶୁଭୁଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭୈରବୀ ରୂପ, ବିରାଟ ଭୈରବୀ ରୂପ ଶିବ ଦେଖିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ଭୈରବୀ ରୂପ। ସବୁଆଡ଼େ ବିକଟାଳ ରୂପ ଦେଖି ତଟସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ ଶିବ, ଏବଂ ପଚାରିଲେ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଏସବୁ କିଏ। ଦେବୀ ସେଇଠି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପାର୍ବତୀ, ଏସବୁ ହେଉଛି ମୋର ରୂପ। ତେଣୁ ଏଇ ଦେବୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାନ ଏଇସବୁ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ, ଏ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହା କୁହାଯାଏ, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ହେଉଛନ୍ତି ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା। ତେଣୁ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ପ୍ରଥମରେ ଶିବ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ନା ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲେ, କାରଣ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଦେଇ ଆଗ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିବା କେଉଁ ଗୋଟେ ଯିବା, ସିଧା ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଦେଇ ବାହାରିବା। ଯଦି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ନ ଯିବା ତାହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଦୁଆର ଯାହାର ଥିବ, କୌଣସି ପାଖରେ ଥାଏ ବି ପଛପଟେ ଥାଏ, ହେଉଛି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ୱାର ତା'ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ସିଧା ବାହାରିଲେ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଯାହାକି କାଳୀଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଭାଗକୁ ଶିବ ବୁଲିଲେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଭାଗକୁ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ତାରା, ଐଶାନ୍ୟ ଭାଗକୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଷୋଡ଼ଶୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି କହୁଛେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ବାମ ଭାଗକୁ ଚାହିଁଲେ ବାଁ ପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶିବଙ୍କର ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ତଳକୁ ଚାହିଁଲେ କହିଲେ ନହେଲେ ପାତ ହେଉଛନ୍ତି ତଳକୁ ପଶିଯିବା, ତଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଭୈରବୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଚାଲିଲେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିକଟାଳ ରୂପ, ଯାହାକି ଛିନ୍ନମସ୍ତା ମସ୍ତକ ନାହିଁ, ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ଗଳୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭୂତ ପ୍ରକାର ସ୍ୱରୂପ, ଏଇଭଳି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ। ଏବଂ ଅଗ୍ନିକୋଣ, କାରଣ ଅଗ୍ନିକୋଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ଦେଖିଲେ ଧୂମାବତୀ, ଏବଂ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ କହିଲେ ଭାଇ କିଛି ନହେଲେ ପଛପଟା ବୋଧେ ଖାଲି ଯିବ ପଳାଇବା, ପଛକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ସେଠି ବଗଳା ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ବଗଳାମୁଖୀ ମା। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବାୟବ୍ୟ କୋଣକୁ ଦେଖିଲେ ମାତଙ୍ଗୀ, ଏବଂ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ଯିଏକି କମଳା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯାହାକି ଚାରିପଟରେ ଅଭୂତ ପ୍ରକାର ରୂପକୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଦର୍ଶନ କଲେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି କାଳୀ ତାରା ମହାବିଦ୍ୟା ଷୋଡ଼ଶୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଭୈରବୀ ଛିନ୍ନ ମସ୍ତାଚ ମାତଙ୍ଗୀ କମଳାତ୍ମିକା ଧୂମାବତୀ ହି ବଗଳା ମହାବିଦ୍ୟା ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଧୂମାବତୀ ବଗଳା, ଏବଂ ହେଉଛି ବଗଳାଙ୍କ ପରେ ରହିଲେ ମାତଙ୍ଗୀ ଚ କମଳା, ଏହାଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ନେଲେ ଇଏ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା। ତେଣୁ ଆମର ଅନେକ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ତେବେ ଏ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯାହାକି ରହିଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯେହେତୁ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କ'ଣ, କେଉଁ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆରାଧନା କରାଯାଇଛି, ଅଧିକା ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି, ମୀମାଂସା କରାଯାଇଛି, ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି। ଯଦି ଚ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ବିଶେଷ ପ୍ରଶସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଚାରିତ, ତଥାପି ଅଷ୍ଟାଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ଅଷ୍ଟାଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି କାଳୀ ତାରା ତଥା ଛିନ୍ନା ମାତଙ୍ଗୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଅର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣା ତଥା ନିତ୍ୟାମ
दुर्गाहम महिषामर्दिनी तुरीताम त्रिपुराह पूटाम भैरवी बगला तथा धूमावती तथा गेया कमला च सरस्वती जय दुर्गा तथा भद्रे तथा त्रिपुर सुंदरी अष्टादश महाविद्या तंत्र हवः कथिता प्रियम। ये तंत्र शास्त्र रे अष्टादश महाविद्यांकर कथा मध्य रहिची। एतत व्यतीत आमर नारद पंचरात्र को जदि आम देखिबा तबे सप्तकोटि महाविद्यांकर मध्य होचंती नार लिखा अछि ना रहिची हेले मूर्तिर कल्पना करा जाय नाही कारण सप्तकोटि महाविद्यांकर मध्य होचंती ना को देखिबा को मिले। या भितरे आमे मध्य आपण माने देखुचंती सिंहद्वार पवित्र सिंहद्वार रे द्वार बंध देश दे भगवान को दर्शन करबा पाए भक्त चली चंती। महाप्रभु पतित पावनकर मध्य से अवकाश समय प्रात काल मेघाच्छन्न रहिची किछि समय पूर्वरु मेघ मध्य होइतिला तेणु ए जे होचंती महान समय पवित्र समय रे जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करबा पाए भक्त माने आसिचंती। तेणु आपण माने देखिबे जेहेतु अष्टादश महाविद्या मध्यरे प्रथम रे सेई कालिका दश महाविद्या मध्यरे प्रथम रे मध्य कालिका तेणु भैरव अर्थात भी कहिले भैरव बा संसार त्रास जनित रब बा क्रंदन जे कि चिंतारु जात भगवान बोली चित्कार कले जे हृदय रे परमार्थ रूपे स्फुरित हुंती से होचंती भैरव। तेणु आमर प्रत्येक कालिकांकर गोटे गोटे शक्तिंकर भैरव मध्य अछंती कारण भैरवंक सहित भैरवींकर पूजा एथिपाय श्रीक्षेत्र रे आपण माने सुनिचंती जे होचंती बिरजा नाभिदेशश्च विमला पुरुषोत्तमे आ विमला भैरवी जत्र जगन्नाथस्तु भैरव प्रत्येक स्थान रे देवींक सहित जने भैरवंकर पूजा अर्चना थाए तेणु इठि होचंती देवता हेले जगन्नाथ देवी हेले विमला तेणु विमला भैरवी जत्र जगन्नाथस्तु भैरव हेतिबारु श्रीक्षेत्र रे दुर्गा माधवंकर उपासनाटि प्रशस्तर करागला। सेभली भावरे आमर दश महाविद्या को जदि आमे देखिबा तबे महाकाली महाकालींकर भैरव हेले महाकाल तबे सुंदरी सुंदरी होचंती जे कि त्रिपुरा सुंदरी जहांकु सोलची बोली कहा जाए तांकर होचंती भैरव हेले ललितेश्वर तारा तेणु तारा जे कि उग्र तारा भाव रे मध्य प्रसिद्धि रहिची तेणु तारांकर भैरव होचंती अक्षोभ्य भैरव। सेभली भावरे छिन्नमस्ता छिन्नमस्तांकर मध्य भैरव होचंती विकराल भैरव भुवनेश्वरींकर महादेव भैरव धूमावतींकर काल भैरव महालक्ष्मींकर सेभली भावरे मध्य नारायण भैरव एवं जहाँकि होचंती महालक्ष्मींकर जेभली भावरे नारायण एवं भैरवींकर कारण भैरवी जो दश महाविद्या भितर अच्छा तांकर भैरव हेले बटुक भैरव मातंगींकर रही मातंग भैरव बगलांकर मृत्युंजय भैरव एभली भाव भैरव मान जो स्थान रे देवी दश महाविद्या मध्य जेकोसी महाविद्या को आम होती आराधना करने पूजा करने ये सब कले भैरवंकर पूजा मध्य करबा को पड़िथाए तेणु ये होची आर्यावर्त संस्कृतिर महानता तेणु से जो कालिका महाकाल जे कि सौंदर्य ललितेश्वर तारा याश्च अक्षोभ्यो छिन्नया विकरालकह भुवनाया महादेव धूम्राया काल भैरव नारायण महालक्ष्मी भैरव भैरवी बटुक स्मृत मातंगी स्तु मतंग स्या
तद अथवा स्यात् सदाशिव मृत्युंजयस्तु बगला विद्याया परिकीर्तिता। तेणु यह भाव आमर दश महाविद्या प्रसिद्धि रही पाखे आपण मैने देखुंत पारा गुड़िकसी सिंहद्वार पाखे प्राय सबुदिन पारा आसती कि जो शस्य से हूँ जो मैंने कि अच्छा किसी किसी भक्त मैंने से मैंने शस्य किसी पकई था पारा मान खाती प्रत्येक समय आम देखू प्रायत सिंहद्वार अनेक पारा था व्यतीत श्री माँ कालिका जेहेतु दश महाविद्यार प्रथम महाविद्या से करालबद काली आम हूँ स्तुति करें कौन कला करालबद नाम घोराहम मुक्त केशिं चतुर्भुजाम कालिकाम दक्षिणां दिव्यां मुंडमाला विभूषिताम सद्यच्छिन्न शिर खड्गम बामा ऊर्ध्वकराम्बुजाम अभयं वरदं चैव दक्षिणा ऊर्ध्वपाणिकाम माँ भगवती कालिका जो कालिका महानिर्वाण तंत्र रे कह कलौ तंत्रौ मंत्राहा सिद्धा स्वर्ण फल प्रदान सस्ता सर्वेशु कर्मेशु जप यज्ञ क्रियादिषु। तेणु अनेक शास्त्र रे विविध प्रकार कथा कह जाइछि महाभारत अनुसार महाकालिंकर उग्र सौम्य ये दुई प्रकार रूप देखिबा को मिले बेले बेले अनेक रूप मध्य सृष्टि हुए एवं एमाने सिद्धि प्रदान करि थांति काली समस्त जहाँ काली जिते गुड़िए दुष्कृत आसे ताकु मध्य उत्पाटन करिबा पाई समर्थ से प्रथम महाविद्या भावरे काली एवं महाकाल भैरव स्वरूप सदा सर्वदा होती पूजित भारतीय संस्कृति रे। तेणु कालिकांकर मध्य विभिन्न प्रकार सब रूप भी रही भितर काली दुई रूप रे विशेष भाव अधिष्ठित जदिच अनेक रूप अच्छी आम ये भक्त बंधु महांती ये जो हूँ आश्रम टी देखुचे भितर कारण ये भक्त बंधु महांती जे कि हूँ स्वतंत्र भाव स्थान से अपूर्व समय जो समय कि गोटे दुर्भिक्ष समय पड़ी थाए खाइबा को किछि नाही पिला मानंकु धरी ए दक्षिण द्वार पार्श्ववर्ती स्थान रे आछि आश्रय नै थांति एवं मां बहुचंती जे कि दक्षिण द्वार रो जो स्थान रे से आश्रय नै चंती तंकर ठीक बंधु महांती आश्रम सीधा आग को मध्य माँ विमला गोटे आस्थान जी कि काकुड़ी खाई भाव प्रसिद्धि लाभ कर आस्थान टी अच्छी से स्थान भी एम देखुचे एत व्यतीत दक्षिण द्वार पार्श्वर्ती अंचल को मध्य आम देखुचे अनेक भक्त मानक जावास लगी तेरे जहा कालिका पुराण रे रही जे समस्त देवता माने हिमालय पर्वतर थिबा मातंग आश्रम को जाई देवी को स्तुति कले देवी देवतांकर स्तुति रे महादेवी मातंग जी कि कन्या भावरे दर्शन देले तेणु मातंगंकर कन्या भावरे देवी जेतेबेले दर्शन देले सेई समय रे देवी को शरीर रु आउ एक नारी रो उत्पत्ति हला से होती काली भाव ख्यात तेणु अनेक प्रकार तंत्रशास्त्र वर्णना रही तेणु आम इटे आउ गोटे दृश्य आसला भगवान हनुमान को आम जय जगन्नाथ टीवी पर्दार देखु तेज हनुमान उपासना हनुमान आराधना कले निश्चित भाव आमर कल्याण हुए से प्रत्येक भक्त हनुमान उपासना करी थांती
जो हनुमान को कहुई अतुलित बल धामम हेम शैलाव देहम दनुजवन कुशानम ज्ञानम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणम मधीचम रघुपति बरदूतम बात जातम नमामि। तेणु रघुपति बरदूत जे कि बात जातम नमामि, जहाँ को दर्शन कले आमर सकल प्रकार अमंगल दूर ही मंगल प्रदान करती भगवान मंगल मूर्ति मारुति मनंदन सकल मंगल मूल निकंदन बोली कह जाए भगवान से एकादश रुद्र अवतार जी कि हनुमान महाप्रभु तांकर मध्य दर्शन होची भक्त मान मध्य होची जोड़ स्तर प्रणाम करथिबार दृश्य भी आसुची। कारण जेहेतु क्षेत्र रे भक्त मानकर प्रत्येक समय रे समागम होता है क्यों स्थान रे क्यों रूप रे भगवान को होचंती दर्शन करिबा पाई भक्त माने आसी थांती तार पर्यंत नाही। तबे जाऊ ए जो कालिका कर कथा में आलोचना करूथिले से पाखरे दृश्य होची भगवान कर मध्य से दक्षिण द्वार रो विशेष स्थान जन से अवकाश जल प्रभुंकर नहीं आसुचंती देखा गलानी, यार अर्थ प्रभुंकर अवकाश बढ़ी सारिलानी। तेणु अवकाश जेहेतु प्रभुंकर हो सारे या परे श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर जहाँ हूँ बेश अनुष्ठित हम बेश कहले जा प्रत्येक दिन प्रभुंकर जो नित्य बेश ही थाए से बेशटी अनुष्ठित हम आज जेहेतु गुरुवार रही गुरुवार प्रभुंकर हलदिया बर्णर होती महाप्रभु को लुगा रे बेश कर तेणु अतीब सुंदर चमत्कार दृश्य एतत् व्यतीत भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्रीमंदिर को सबू पनीपरिया देखा जाऊँ कारण ये परिवा गुड़िक श्रीमंदिर को आसी आम रोषशाला को प्रभुंकर प्रत्येक दिन जो परिवा गुड़िक रोषशाला को जाई थाए कारण सबु परिवा तो होती रोषशाला को जीवना ही नीति नियम मध्य रही कौन कौन बाहूंट पर महाप्रभुंकर पाक लग पार से अनुसार पर श्रीमंदिर को जाए तेणु ये दक्षिण द्वार दे प्रायतः प्रत्येक डाली चाउल पनीपरिया सब रोष सामग्री द्रव्य गुड़िकाई कदली कखारू ये सब देखागलानी महाप्रभुंकर से पवित्र रोषशाला जो रोषशाल जगत मत रंधनकारी रोषर चर्चा बुझती देवी दक्षिण काली कहुई तेणु से स्थान को एवं प्रत्येक पनीपरिया जाऊँ तबे आमे आलोचना करूले माँ काली कथा माँ काली कथा को जो काली काली अनेक ना रही कारण काली रही भद्रकाली रही घाट काली रही श्मशान काली रही विभिन्न प्रकार काली अनेक नाम अच्छी स्थान विशेष से भगवती को कहुई जे गलद्रक्त मुंडा बलिकंठमाला महाघोर राबा सुदस्ता करालाम विवस्त्रा श्मशानालय मुकुत केशी महाकाल कामा कुल कालिकेयम। गलद्रक्त मुंड माला बलिकंठमाला जहांकर कंठस्थित मुंडमालारु निरंतर रक्त स्रवित होती कारण आउ कौन ना महाघोर राबा सुदृष्टा करालाम जी महाघोर शब्द कारिणी बड़ बड़ दंतावली द्वारा अत्यंत भीषणा एवं विवस्त्रा श्मशानालय मुक्त केशी जी नग्ना श्मशानवासिनी मुक्त केशी सही महाकाल कामाकुला कालिकेयम महाकाल सहित जी निधुवन क्रीड़ापाई सदा सर्वदा व्यग्रा से कालिका को आम प्रणाम कले आमर निश्चित भाव कल्याण हब एवं कालिकांकर मध्य कहुई जे आम आपण मैने देखिए जहाँकि दुर्गा सप्तशती
ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ରାକ୍ଷସଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଦେବତା ମାନେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଆରାଧନା କଲେ, ଗୌରୀଙ୍କ ଶରୀରରୁ କୌଶିକୀଙ୍କ ପ୍ରକଟ ହେଲା। କୌଶିକୀ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା କ୍ଷଣି ଅମ୍ବା, ଯିଏକି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, କୃଷ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ କାଳୀ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସପ୍ତସତୀରେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଆସେ। ତେଣୁ କାଳିକାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ଅଛି। ବୃହତ ନୀଳତନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କାଳୀ ଦୁଇ ରୂପରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ। ଗୋଟିଏ ହେଲେ କୃଷ୍ଣାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣା, ଏବଂ ରକ୍ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ସୁନ୍ଦରୀ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଦେବୀଙ୍କର ରୂପ ରହିଛି। କାଳିକା ପୁରାଣକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ଥିବା ମାତଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା ପରେ, ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ତୁତିରେ ମହାଦେବୀ ମାତଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦେବୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଏକ ନାରୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାଳୀ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏ କଥାଟା ହେଉଛନ୍ତି କାଳିକା ପୁରାଣ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ, ଭଗବାନ ଭଗବତୀଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସାଧନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସାଧନଟା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାଧକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଭଗବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବତୀ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଏହା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ମୂଳ କଥା। କାରଣ ଦେବୀ ଦେବୀ ସଦାସର୍ବଦା କଲ୍ୟାଣମୟୀ। କାରଣ ଦେବୀ କେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତା ନୁହନ୍ତି, ଆମର ବୁଝିବା ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ। ଦେବୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଅସନ୍ତୋଷ କରେଇବା, ତାହେଲେ ଦେବୀ କରାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ନଚେତ ଦେବୀ ସଦାବେଳେ ଶାନ୍ତ। କୁପୁତ୍ର ଯାଏତେ କୋଜିଦପି କୁମା ତାନ ଭବତୀ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେହି ରୂପକୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ବାଳକ ଭାବ ଆସିଲେ ମା ଯେଭଳି ଦୟା ସ୍ୱକୃତ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱରେ ମହାକାଳୀ ଉଗ୍ର ହେଲେ ବି ଶାନ୍ତ ରୂପ ଏବଂ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ସେଇଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହାକି କାଳିକାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ରହସ୍ୟ, କାଳିକାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ନା, ଭୁଜେ ବାମ ଯୋଗମେ ଶିରୋସି ଦଧାନାଂ, ବରମ ଦକ୍ଷ ଯୋଗମେ ଭୟମ୍ ବେଇ ତଥା ତଥୈବ ସୁମଧ୍ୟାପି ତୁଙ୍ଗ ସ୍ତନ ଭାର ନମ୍ରାମ ଲସଦ୍ରଗତ ଶୁକ୍ରହ ଦୟା ସୁସ୍ମିତା ସ୍ୟାମ। ଏହାର ଅର୍ଥଟି ହେଲା କ'ଣ କି କହିଲେ, ଭୁଜେ ବାମ ଯୁଗୁମେ ଶିରୋସି ଦଧାନାମ, ଯିଏ ନିଜ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ହସ୍ତଦ୍ୱୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଖଡ଼ଗ, ଏବଂ ବରମ ଦକ୍ଷ ଯୁଗମେ ଭୟମ୍ ବେଇ ତଥୈବ। ଭଗବତୀ କେମିତି ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ନା, ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ହସ୍ତଦ୍ୱୟରେ ବରଦ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା, ସୁମଧ୍ୟା ପିତୁଙ୍ଗ ସ୍ତନ ଭାର ନମ୍ରାମ, ଯାହାଙ୍କର କଟି ଠାରୁ ଦେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର, ଏବଂ ସମୁନ୍ନତ ସ୍ତନ ଭାରରେ କିଞ୍ଚିତ ସମ୍ମୁଖକୁ ନଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ମା। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ନା, ଲସଦ୍ରଗତ ସୁରୁକ ଦୟା ସୁସ୍ମିତା ଶ୍ୟାମ, ଯାହାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ। ସେଇ କାଳିକା ଆମର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା ଆମେ ମାଆଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସ୍ତୁତି କଲେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ହେଉଛନ୍ତି କାଳିକା ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ରହିଯାଇଛି।
कहले सब द्वंद कर रावतं चाचु केसी लसत प्रेत पानी प्रजुगते को कांची सवाकार मंचाधि रूढ़ाची बाविश्चो चतुर्दिक्कु सदायो मानाभीरे रे जीम सब द्वंद कर रावतं चाचु केसी अर्थ होला कौन ना जहाँकर कर्ण द्वेरे दुई गोटी होउचंती शबर कानफुल झुलुचंती आउ कौन ना लसत प्रेत पाणी प्रजुगतैक कांची जहाँक केश अत्यंत मनोहर जे शब मानकर हस्तगुड़िक कमरपटी रूपे परिहिता जे सबाकार मंच उपरे आसिना कारण सबाकार मंचाधि रूढ़ा शिवाभिश्च चतुर्दिक्खु सदायो मानाभीरे जिम अर्थात जिए सबाकार मंच उपरे आसिना भगवती चतुर्पार्श्वरे सुगाल मानकर रबरे जे सुशोभिता ही विश्वविख्यात महाकालिकांकु शरणापन्न हेले भगवती आमको निश्चित भावरे कल्याण करिवे सेथिपाई माँ कालींकर चरणार बिंदरे जो पुत्र माने अतीब होचंती नम्रतार सहित माँ पाखरे शरणापन्न हुंती निश्चित भावरे होचंती भगवती मध्य कल्याण करंती सेथिपाई मध्य कोज खाली जे भक्त मानकु करंती ता नहु कहले बिरंचा देवाह अस्त्रयस्ते गुणां स्त्रीन समाराध्य काली अर्थात जे बिरंचादि देवा अस्त्रयस्ते गुणास्त्रीन जेउ मा ब्रह्मा विष्णु शिव ए तीन देव तुमर प्रत्येक तीन गुण मध्यरु गोटिकर उपासना मध्य होचंती करिथांती कौन हुए प्रधान समाराध्य काली प्रधाना बभुवु तेनु अनादि सुरादि मुखादि भवादि स्वरूपं तदीय नविंदन्ति देवां जहांकर होचंती ए महान देवी जे मात तुमर अनादि सुरादि मुखादि तथा सृष्टिर आदि स्वरूप को देवता मान मध्य प्राप्त करिबा पाई असमर्थ तेनु देवींकर रूप को सहजे जानिबा एते सहज कथा नुह से रहस्यात्मक रूप अनेक रूप देवी ही पारंती आमे मध्य से भली भावरे चतुर्पार्श्व को देखुचे आमर जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्रीमंदिरर बाह्य चतुर्पार्श्वर विभिन्न प्रकार जाके दृश्य आसुची सुंदर सुंदर वृक्षराज मध्यरे अनेक भक्त मानकर जीवा आसिबा एवं ता भितरे चारियाड़ गोटी आनंदर वातावरण एवं ये आनंद वातावरण मध्यरे जहाँकि समस्ते प्रभु को दर्शन करिबा पाई व्यग्रतार सहित चली चंती आ भितरे मध्य बेश चली एठी पतित पावन कर मध्य बेश हो गलानी कारण भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु जहाँ को आम होती श्री चरणारविंदर तंकर समर्पित हेले आमर निश्चित भाव कल्याण हुए ये सन्देह ना से भगवती माँ कालींकर कथा आज आम आलोचना करूँ कारण कहुई उग्रतारा सुलोपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी नीलादौतु श्री जगन्नाथ साक्षात दक्षिण कालिका तेणु नीलाद्री रे जगन्नाथ महाप्रभु साक्षात दक्षिण कालिका स्वरूप विराजमान करी भक्त मानंकु मध्य कृपा करुछंती तंत्रवित मान कहंती तेणु प्रभु कर ये क्षेत्र रे एथिपाई शैव उपासना शाक्त उपासना प्रत्येक प्रकार रो उपासना रहिची जिते प्रकार देवता मानकर उपासना अपन श्रीक्षेत्र प्रत्येक देवतांकर उपासना देखिबा को पाइबे तबे जाउ काली तो होचंती सदा सर्वदा माँ रहस्यवृता से रहस्य मध्य अछंती आमर कल्याण करंतु समस्त दर्शक बंधु
ପରସ୍ପର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ସହିତ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ମା ମହାକାଳୀ କରନ୍ତୁ। ଏହି କଥାକୁ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପିତ କରି ଆଜି ଆମର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯା ସିଧା ପ୍ରସାରଣର ଯେଉଁ ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେଇ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବି ଏବଂ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସନ୍ଦେଶ ପାଇବା ଏବଂ ହେଉଛନ୍ତି ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଜାରି ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଖରା।